हेलो मेरे दोस्तों, होप यू गाइस आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। सो गाइस, जैसा कि आपकी भारी मात्रा में रिक्वेस्ट आई थी कि मैं वीएन वीडियो एडिटर ऐप के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो मैंने आपकी सुन ली है। आज की वीडियो डिटेल में इस ऐप के बारे में है, कैसे हम फुटेज को इंपोर्ट करेंगे, कौन कौन सी सेटिंग क्या क्या करती है और कैसे अच्छी क्वालिटी के फुटेज को निकाल सकते हैं। आगे और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ एडवांस टॉपिक पे, की फ्रेम एनिमेशन, ग्रीन स्क्रीन और थोड़े अमेजिंग इफेक्ट कैसे निकालते हैं। बट प्लीज़, अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे और मज़ेदार कंटेंट आने वाला है। तो गाइस, सबसे पहले तो हम ऐप को लॉन्च कर लेंगे, और जब एक बार आपकी ऐप लॉन्च हो जाएगी तो आपको ये राइट हैंड टॉप में एक रेंज का आइकन दिख रहा होगा सेटिंग का, इसमें जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन हमको प्रीव्यू परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आने के बाद हमारे पास ये दो सेटिंग आ जाएंगी। कंप्रेशन क्रिटिकल रेजोल्यूशन में हम सबसे छोटा रेजोल्यूशन चुन लेंगे, मेरे केस में यहाँ पे 720p दिखा रहा है। और सेकंड सेटिंग में हम नो कंप्रेशन कर देंगे। ये दोनों सेटिंग सिर्फ प्रीव्यू के लिए है, तो इससे आपका फ़ोन बहुत स्मूथ चलेगा, क्रैश वैश कम होंगे अगर आपका फ़ोन ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अब हम वापस आ जाएंगे और यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट पेज आ गया। तो ये नीचे जो प्लस का आइकन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और एक यहाँ पे ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। अंदर आपको लाइब्रेरी में जाके अपना फ़ोटोज़ और वीडियोस जो भी आप उठाना चाहें उठा लेंगे। मैं वीडियोस उठा लेता हूँ कुछ। प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगा सकता है, डिपेंड करता है आपकी वीडियो कितनी हैवी है। ये आपका एडिटिंग का मेन पेज खुल गया। टॉप में व्यूअर है, बीच में टाइमलाइंस हैं और नीचे आपकी सेटिंग्स और कंट्रोल है। अब ये टॉप में जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको तरह तरह के रेजोल्यूशन दिए हुए हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे डालना चाहते हैं 1x1 फॉर्मेट में, या फिर 4x3, 4x5 में, या फिर टिकटॉक वाले फॉर्मेट में, वो सारे रेजोल्यूशन और फॉर्मेट आप यहीं से चुन सकते हो, और आइडियली ये शुरू में ही चुन लेना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं नीचे के कंट्रोल से। तो हमारे पास ये जो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, ये है टेम्पलेट्स का। इस ऐप में काफ़ी सारी प्री बिल्ट टेम्पलेट भी होती है जो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर इसमें से मैं एक टेम्पलेट चुनूँ, तो ये वाली चुन लेते हैं हम लोग। ये कुछ ऐसी सी टेम्पलेट है, और अगर मैं इसको अपनी क्लिप्स पे अप्लाई करूँ तो बेसिकली ये एक फास्ट तरीका है अपनी वीडियो बनाने का। आपको जो जो खाली जगह है यहाँ पे अपनी एक्स्ट्रा क्लिप इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आपका वीडियो तुरंत बन जाएगा। अगला जो ऑप्शन है वो आपका फ़िल्टर्स का ऑप्शन है, जो कलर ग्रेडिंग के काम में आता है। तो अगर हम यहाँ पे जाएँ तो आप यहाँ देखेंगे कि ढेर सारे फ़िल्टर्स हैं जैसे इंस्टाग्राम में होते हैं, और आप अपनी इन फ़िल्टर्स को यूज़ करके अपनी क्लिप के लुक एंड फील को चेंज कर सकते हैं। इन फ़िल्टर के अलावा इसमें कस्टम ऑप्शन भी है, जिस पे आप अपने LUTs इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने LUT इंस्टॉल कर रखे हैं। LUT इंस्टॉल करने के लिए आपको ये ऊपर प्लस का साइन डलवाना है। अब यहाँ पे आप फाइल मैनेजर में जाएंगे, मेक श्योर करिए कि आपके फ़ोन में आपने LUT पहले से सेव कर रखे हों। जैसे कि आप देखें, मैंने अपने फ़ोन में ये एक LUT का फोल्डर इम्पोर्ट कर रखा है, जो कि मेरे कंप्यूटर में पड़ा हुआ था, और इसमें देखिए ये सारे LUT हैं, तो मैं ये LUT यूज़ कर रहा हूँ। अब अगर मेरे को इनमें से कोई भी LUT यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला, तो ये मैं यूज़ करूँगा। इसकी इंटेंसिटी को एडजस्ट कर सकता हूँ, और ऊपर अगर आप फ़िल्टर के बगल में देखें तो एक एडजस्टमेंट ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाके इसको फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं, एक्सपोजर, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, हाईलाइट, ह्यू, शेडो, मतलब सब बहुत सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक अप्लाई ऑल का ऑप्शन आ रहा है और एक खाली टिक आ रहा है। अगर आप खाली टिक करेंगे तो इसी क्लिप पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप अप्लाई ऑल कर देंगे तो ये जो आपने सेटिंग बनाई है कलर्स की, आपकी सारी क्लिप्स पे एक साथ अप्लाई हो जाएगी, तो आपको हर क्लिप पे अलग अलग ग्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है हमारा स्पीड ऑप्शन, मतलब स्लो मोशन, फास्ट मोशन। तो यहाँ पे जाके आप अपने क्लिप की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक रेगुलर ऑप्शन है जिसमें आप स्लाइडर को आगे पीछे करके टोटल क्लिप की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं ओवरऑल। और एक कर्व ऑप्शन है, ये कर्व वाले ऑप्शन में ही आपको वो सिनेमैटिक इफेक्ट करने का ऑप्शन मिल सकता है, जिसमें आप क्लिप को फास्ट और स्लो कर सकते हैं। तो ये जो पॉइंट देख रहे हैं आप, इन पॉइंट को ऊपर नीचे करेंगे, अगर आप ऊपर करेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और नीचे की तरफ करेंगे तो स्पीड कम होगी। तो आप अपने हिसाब से जो आपको पोर्शन लगे वहाँ पे इसको एडजस्ट करके और वो इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। अगला ऑप्शन हमारा स्प्लिट का है। तो प्ले हेड आपके क्लिप के ऊपर रख के आप जैसे स्प्लिट बटन दबाएंगे, वो क्लिप बीच में से कट जाएगी दो भाग में, और यहीं पर टाइमलाइन के ऊपर आपको ये अंडू और रीडू का ऑप्शन मिलेगा। इसकी मदद से आप किसी भी एक्शन को अंडू और रीडू कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ट्रिमिंग का। सिंपल है, क्लिप सेलेक्ट करेंगे आप, उसके
बिगनिंग या एंड को अपने हिसाब से ट्रिम कर सकते हैं। फिर अगला है एफएक्स। एफएक्स बेसिकली इफ़ेक्ट्स हैं, आप इसमें किसी भी क्लिप में अगर आपको इफ़ेक्ट लगाने हो, ट्रांजिशन इफेक्ट जैसे कि कई बार हम लोग लगाते हैं, वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे इस पेज के अंदर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। प्लस इन इफ़ेक्ट्स का ड्यूरेशन भी आप एडजस्ट कर सकते हैं इस ग्रीन वाले स्लाइडर को आगे पीछे करके कि आपको कितनी देर तक ये इफेक्ट चाहिए। ऐसी क्लिप के शुरुआत में आपको एक प्लस का साइन दिख रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नॉर्मल से ट्रांजिशंस के ऑप्शन देखेंगे शुरुआत में, जैसे कि ये ब्लैक है। अब इसका ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हैं, नीचे स्लाइडर है, अगर आप इसको बढ़ाएंगे तो ये धीरे धीरे ब्लैक होगा। ऐसे इसके बगल में वाइट का ऑप्शन भी है, अगर आप इसको करेंगे, इसकी भी मैं ड्यूरेशन बढ़ा कर दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। प्लस ये जो नेक्स्ट वाला है वर्टिकल, ये बड़ा अमेजिंग है, ये बहुत सारे लोग आजकल करते हैं, और इसका अगर हम ड्यूरेशन बढ़ा दें तो ये कुछ ऐसा सा आता है। तो ऐसे काफ़ी सारे आपको, अब ये क्योंकि क्लिप का बिगनिंग है तो इसलिए यहाँ पे लिमिटेड है, लेकिन अगर हम यही दो क्लिप के बीच में जाके अगर प्लस के साइन को दबाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारे पास सारे सेटिंग्स अवेलेबल हैं, मतलब आप ड्यूरेशन भी अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब आप देखिए ऊपर नॉर्मल के बगल में मैट दे रखा है, मैट में और भी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, और मैट मतलब मैट ट्रांजिशंस हैं, और ये बहुत अमेजिंग लगते हैं। इसमें भी आप ड्यूरेशन एडजस्ट कर सकते हैं अपने क्लिप का। अगला ऑप्शन जो है वो डिलीट का, आपको किसी भी क्लिप को डिलीट करना, आप क्लिप को सिलेक्ट करें, डिलीट दबाएंगे तो वो डिलीट हो जाएगी यहाँ से। नेक्स्ट वॉल्यूम का, इस क्लिप में वॉल्यूम नहीं है तो मैं यूज़ नहीं कर सकता। बीजे इज़ फॉर बैकग्राउंड, कई बार क्लिप्स हमारी रेजोल्यूशन छोटा होता है, फॉर एग्जांपल आपने 16:9 में अगर 1:1 क्लिप ले ली स्क्वायर फॉर्मेट की, तो आसपास के बॉर्डर को बढ़ने के लिए आप बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं। क्रॉपिंग जो है वो आपकी सिंपल है, मतलब ये जो ऊपर रेजोल्यूशन था वही आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, आप किसी भी क्लिप को 1:1 पे क्रॉप करके या 16:9 पे क्रॉप करके और उसका एडजस्ट करके फ्रेम, और उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मिरर, तो बेसिकली ये आप देख ही सकते हैं फ्लिप हो जाता है। फिर फ्लिप भी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वाला। फ्रीज वाला ऑप्शन जो है इसके बाद हमारा, वो आप कहीं पे भी टाइमलाइन पे अगर कर्सर लेके जाएंगे और फ्रीज का बटन दबाएंगे तो वो एक छोटे से पार्ट को निकाल के आपका फोटो बना देगा, मतलब ये जो पार्ट है ये फ्रीज हो गया, ये मूव नहीं करेगा। तो शुरुआत में वीडियो मूव करेगी, फ्रीज वाला पार्ट मूव नहीं करेगा, और इसके आगे की वीडियो मूव करेगी। तो इसके भी बहुत यूज़ होते हैं इफेक्ट में, आप यूज़ कर सकते हैं, आगे आके हम देखेंगे। उसके बाद रिवर्स का ऑप्शन है, रिवर्स तो भाई सबको पता ही है, क्लिप उल्टी चलेगी तो वो तो खैर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे आपका ये कुछ प्रीसेट्स हैं जूम को लेके, जैसे जूम आउट हो गया तो क्लिप स्लोली जूम आउट होगी, जूम इन होगा। नेक्स्ट आता है फॉरवर्ड, आप किसी भी क्लिप को सिलेक्ट करके जब फॉरवर्ड दबाएंगे तो वो क्लिप ऊपर की टाइमलाइन पिक्चर पर सेट हो जाएगी। पिक्चर के बारे में हम आगे के वीडियोस में जानेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस। जब भी आप किसी क्लिप को सिलेक्ट करते हैं तो आपको ये येलो हो जाती है और कुछ ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि ये डुप्लीकेट, आप उसी क्लिप का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं डुप्लीकेट ऑप्शन दबा के, या फिर रिप्लेस, अगर आप रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको गैलरी में ले जाएगा, वहाँ से आप कोई क्लिप चूज़ कर सकते हैं और फिर वो क्लिप यहाँ पर आ जाएगी और ये वाली क्लिप हट जाएगी इसी की जगह पर। और एक जो नॉर्मल डिलीट ऑप्शन है उसको दबाएंगे तो आपकी क्लिप यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब ये एंड में आपको प्लस का साइन दिख रहा है, इसको आप क्लिक करके और चीज़ें यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, फ़ोटो वीडियो। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ देखने के लिए कि टेक्स्ट कैसे काम करता है। तो यहाँ से हम एक के कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं, हम एक चुन लेंगे, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। और जब टेक्स्ट आता है तो आपकी जो टेक्स्ट की लेयर है वो टेक्स्ट वाली लेयर में आएगी, इस पर आप डबल क्लिक करके आप यहाँ पर टेक्स्ट अपना चेंज कर सकते हैं। उसके बाद नीचे से यहाँ पे आपके पास बहुत सारे फॉन्ट्स के ऑप्शन है, कलर्स के ऑप्शन है, तो यहाँ से मैं एक फॉन्ट चुन लूँगा। साइज़ हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। आप इस टेक्स्ट का ड्यूरेशन भी बढ़ा सकते हैं, ये जो ग्रीन क्लिप आ रही है इसके एरो आ रहे हैं बनके, आप इन एरो को जिस तरफ खींचेंगे उस तरफ उसका डायरेक्शन बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं म्यूज़िक की, तो म्यूज़िक के लिए आप इस पर क्लिक करके यहाँ से म्यूज़िक का ऑप्शन चुन सकते हैं। अब यहाँ पे आपको आपका जो ऐप्स के अंदर जो म्यूज़िक है वो भी चूज़ कर सकते हैं, प्लस आपके फ़ोन की लाइब्रेरी में जो म्यूज़िक है वो भी ले सकते हैं। अब प्लस का साइन दबाएंगे तो ये देखिए म्यूज़िक लाइब्रेरी एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीजियो फाइल मैनेजर। मैंने देखा है एक्सट्रैक्ट फ्रॉम लिंक काम नहीं कर रहा है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो मैंने ट्राई नहीं करा, बट मैंने अपनी लाइब्रेरी से यूज़ करा अभी। जब आप चुनेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, वॉल्यूम एडजस्ट करना, शुरुआत में आप चाहते हैं कि धीरे धीरे म्यूज़िक शुरू हो तो फेड इन कर सकते हैं, और आप चाहें कि अगर म्यूज़िक ख़त्म हो तो थोड़ा स्लो हो के ख़त्म हो तो फेड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा डिलीट और ये सब, और यहाँ से ये देखिए फिर से हमारे पास वही सारे ऑप्शन आ गए। अब कई बार दोस्तों क्या होता है कि हमको बीट पे एडिट करने का शौक होता है, हम चाहते हैं यहाँ पे बीट आए वहीं पे क्लिप कट हो, तो यहाँ पे देखिए एक बीट का ऑप्शन है, इस पर आपको इस ऑप्शन के अंदर आना है, क्लिप को प्ले करना है,
और जहाँ जहाँ पे बीट आए आपको ये रेड बटन दबाना है। ये देखिए, जहाँ जहाँ पे आप ये बीट को रेड बटन दबाएंगे तो वहाँ पे बीट मार्क होती जाएगी और ये मार्कर सारे वापस एडिटिंग के टाइम में वापस वहाँ पे आ जाएंगे टाइमलाइन पे। अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, आपको बस ये देखना है कि इन मार्कर्स के ऊपर आपकी क्लिप चेंज हो रही हो। इसी तरीके से हम ऑडियो इफ़ेक्ट्स भी इम्पोर्ट कर सकते हैं। यहीं म्यूज़िक के प्लस के साइड में जाएंगे और इफ़ेक्ट्स पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको बिल्ट इन इफ़ेक्ट भी मिलेंगे जो इस ऐप के साथ आते हैं, नहीं तो आप अपने इफ़ेक्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हैं। तो बिल्ट इन इफ़ेक्ट भी काफ़ी सारे हैं, तो मैं यहाँ से एक ऑप्शन चुन लेता हूँ। ये देखिए, ये इफ़ेक्ट यहाँ पर आ गया। अब आपको बेसिकली टाइमलाइन को जूम करने के लिए दो फिंगर प्रिंच करेंगे तो आपकी टाइमलाइन जूम हो जाती है ताकि आपको अच्छे से दिख सके, और आप उसको सिलेक्ट करके इफेक्ट को कहीं पे भी ड्रैग कर सकते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन है। प्लस इफेक्ट को चुन के तो देखिए आ रहा है, तो यहाँ पे जाके मैं इफेक्ट की वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकता हूँ सेटिंग के अंदर जाके। अगर आप क्लिप को अरेंज करना चाहते हैं तो क्लिप पे क्लिक करेंगे, वो एक ऐसी स्ट्रिप्स कन्वर्ट हो जाएगी और उसके बाद उसको आप टच करके आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे। रेजोल्यूशन, अगर आपका फ़ोन पावरफुल है तो आप 4K तक की सेटिंग को मतलब एक्सपोर्ट कर सकते हैं। FPS चुनने का ऑप्शन है, प्लस बिट रेट का भी ऑप्शन है। आपका फ़ोन पावरफुल है तो आप हाई यूज़ कर लीजिए, पावरफुल नहीं है तो आप मिड भी यूज़ कर सकते हैं, क्वालिटी अच्छी आती है। और इसको हम ओके कर देंगे। यहाँ पे ये हमारा एक्सपोर्ट पेज आ गया। यहाँ पे आप अपनी क्लिप का एक नाम देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे टेस्ट लिखा हुआ है, और जब क्लिप रेडी हो जाएगी आपकी, रेंडर होके, तो फिर आप सेव टू एल्बम कर देंगे। तो मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई सवाल है तो वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं रिप्लाई करूँगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी क्वेरीज DM भी कर सकते हैं, मैं वहाँ पे भी बहुत जल्दी रिप्लाई करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो इस वीडियो के एंड में आ जाएगी, इसीलिए एंड तक वीडियो देखना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अगला वीडियो की फ्रेम एनिमेशन के ऊपर। टिल द टाइम यू गाइस हैव फन, एंजॉय, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।